नंबर इसका 5 देखते हैं, ये आंसर पे है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे ना आंसर वाले, सब एक ही तरह से बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं वो देख लीजिए, एक बताएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि किसी भिन्न का अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें, तो जब भी भिन्न निकालने के लिए कहेगा ना, लिखेंगे कि मान भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y, यानी कि यहां से आपका जो भिन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंश बटा हर ना, यानी x बटा y ना। अब चलते हैं प्रश्न से। देखिए क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए, तो भिन्न ये आए x बटा वाई है ना, तो कह रहा है कि अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, तो भिन्न हो जाता है आपका 9/11। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरा देखा जाएगा। चलिए, तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करना होगा ना, तो 11 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 और इधर हो जाएगा 9 और ब्रैकेट में आ जाएगा वाई प्लस 2। समझ में आया ना, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 11 गुना 22 और इधर हो जाएगा 9y और 9 दुना 18। समझ गए, तो एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, यानी हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर में 18 माइनस का 22, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये हो गया आपका समीकरण 1। आगे बढ़िए, कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। चलिए, तो अंश और हर एक्स बटा वाई है ना, लिख देते हैं कि अब क्या कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। ये ना कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाती है। तो यहां लिख दिया है, अब यहां भी वैसे तिरछा गुणा करेंगे, 6 ब्रैकेट में x प्लस 3 है ना, और यहाँ 5 ब्रैकेट में y प्लस 3। चलिए गुना करते हैं, 6x प्लस 18 बराबर में 5y और प्लस 15। एक तरफ करते हैं इसको यहाँ और इसको इधर, 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस 18, यानी कि 6x माइनस में 5y बराबर में आ गया माइनस का 3। ये हो गया समीकरण 2। क्लियर है, अब यहाँ समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। चलिए, यानी 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। तो अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 11x बराबर, ये माइनस का 9y इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, 9y और माइनस का 4, 11 को भाग में ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 9y माइनस 4/11। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 1 से निकाल कर 2 में रखा जाता है ना। चलिए, तो यहां से हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, यही ना आपका समीकरण 2। चलिए, अब यहाँ हम लोग रखते हैं समीकरण x 2 में x का मान, तो यहाँ x का मान यहाँ रखना है ना। चलिए, तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 9y माइनस का 4 बटा में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस 3। चलिए, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 6 × 54, ठीक है, 54y माइनस 6 × 24 बटा में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस 3, यही ना है। चलिए, अब यहाँ एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो होगा 11 54y माइनस का 24 और माइनस का कितना, 11 × 55y है ना, और बराबर माइनस 3। चलिए, यहाँ इसमें घटेगा तो आ जाएगा माइनस का वाई माइनस का 24 और बटा में 11 बराबर में माइनस का 3, ये ना होगा। चलिए, अब इसके बाद 11 को उधर ले गुना कर दीजिए, तो माइनस का वाई माइनस का 24 बराबर हो जाएगा माइनस का 33, माइनस का 24 उधर जाएगा प्लस का 24 होगा ना। चलिए, तो माइनस का 33 और प्लस का 24, तो माइनस वाई बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा है ना, तो माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर यहां से आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ वाई का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, तो लिखते हैं वाई का मान समीकरण
दो में रखने पर, दो में रखने पर। तो समीकरण दो क्या है, तो समीकरण दो यहाँ आपका ऊपर दिया हुआ था 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, 6x माइनस 5y बराबर में माइनस का 3। तो 6x माइनस 5y की जगह 9 और बराबर में माइनस 3। चलिए यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5 9 45 बराबर माइनस का 3। तो माइनस का 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो 6x बराबर हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 45, यानी कि 6x बराबर आ जाएगा, यहाँ से घटेगा तो कितना 42 ना, यानी x बराबर आ जाएगा 42/6, 6 7 42, x का मान आ गया 7। आपको भिन्न निकालना था ना, तो भिन्न आपका क्या था, भिन्न बराबर लिखे थे आप x बट्टा वाई, तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 9, तो 7/9 भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन।